तो ये रही गाइस बाइक, इस बाइक की अपन टेस्ट राइड लेंगे, तुमको दिखाता हूं बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है। तो सबसे पहले जो लोगों को इंटरेस्ट है वो ये है कि भाई इसके अंदर सीएनजी कितनी आती है, तो सीएनजी 2 केजी का टैंक लगा हुआ है इसके अंदर। इस बाइक का सस्पेंशन कैसे लगा? मतलब तुम्हें ऐसा फील भी होगा कि तुम एक गड्ढे में से अंदर जाके बाहर आ जाओगे। वह इतना स्मूथ सस्पेंशन भाई, बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी यहाँ पे इवेंट है, अपना भाई है सूरज यहाँ पे वर्क करता है, अभी जाना है अंदर। फोटो तो ये रही गाइस बाइक, इस बाइक की अपन टेस्ट राइड लेंगे, तुमको दिखाता हूँ बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है, बाइक में और सब 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 स्पेसिफिकेशन में तुम्हें दूंगा। ये अभी टेस्ट राइड लेंगे इस बाइक की, तो लेट्स गो गाइस, मैं तुम्हें मिलता हूँ सीधा मोटर राइडिंग सेटअप पे। तो आज अपने साथ है उत्कर्ष भाई, ये पूरा मरतवाड़ा का हैंडल करते हैं। सर मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना इस बाइक में क्या क्या चीज़ें। तो बेसिकली सबसे पहले मैं ये आपके व्यूअर्स को क्लियर कर देता हूँ कि इसकी जो भी परफॉर्मेंस है, जो गाड़ी चलती है, इंजन की स्मूथनेस, गियर शिफ्टिंग एकदम नॉर्मल गाड़ी की तरह है, गाड़ी का जो बैलेंस है वो एकदम नॉर्मल गाड़ी की तरह है, कुछ भी इसमें आपको फर्क महसूस नहीं होगा जब आप ये बाइक चलाओगे और कोई भी इसके साथ ही 125cc की बाइक चलाओगे। सीएनजी पे चलते वक्त परफॉर्मेंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले जो लोगों को इंटरेस्ट है वो ये है कि भाई इसके अंदर सीएनजी कितनी आती है, तो सीएनजी 2 केजी का टैंक लगा हुआ है इसके अंदर और 2 लीटर पेट्रोल का टैंक लगा हुआ है। सीएनजी पे इसका जो एवरेज आता है वो 110 किलोमीटर पर केजी का आता है और जो पेट्रोल पे जो एवरेज आता है वो लगभग 65 किलोमीटर पर लीटर का आता अच्छा, है। तो सर इसमें मोड्स दिए होंगे ना सीएनजी पेट्रोल पे स्विच करने का? और पेट्रोल को आप बहुत आसानी से इस स्विच के जरिए स्विच कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। जी सर। ये बहुत ही स्मूथ है, आपको फर्क महसूस तक नहीं होगा शिफ्ट करते वक्त। जी सर, जी सर, थैंक्स सर इस बाइक के बारे में हमें इन्फो देने के लिए, थैंक्स अ लॉट। और ये अपने ओनर सर है, तो सर कैसा लगा? एकदम बढ़िया बढ़िया। तो अपने सर का ये शोरूम है बजाज शोरूम, नांदेड़ में एक ही ये शोरूम है जो छत्रपति चौक में है, तो प्लीज विजिट दिस शोरूम। अगर अभी उत्कर्ष भाई हमें बताएंगे टैंक के बारे में। तो ये टैंक फिटेड है, ये 12 लीटर वॉल्यूम का टैंक है जिसमें 2 केजी सीएनजी टोटल बैठता है। आप देख रहे हो कि ये ट्रेलिस फ्रेम जो रहता है स्पोर्ट्स बाइक में लगा रहता है, ये जो टैंक है पूरी तरीके से फ्रेम के अंदर इनबिल्ट है ताकि इसकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इस पे किसी भी साइड का कोई भी इम्पैक्ट इस टैंक के ऊपर कोई असर नहीं करने वाला है। अच्छा, जैसे कि मतलब, आप देख पा रहे हो मतलब राइडर की पूरी सेफ्टी बनाई हुई है इसमें। यस, पूरी सेफ्टी का सबसे पहले सर्वोत्तम ध्यान रखा गया है। अच्छा, मतलब जो पब्लिक के मन में डर होता है कि भाई सीट के नीचे ही टैंक है, अगर ब्लास्ट हुआ तो उनको दिक्कत ना आए, बस वही रखता है कि क्या हो जाएगा। टू बी फ्रैंक, वो जब आप थ्री व्हीलर राइड करते हो तब भी आपके नीचे ही होता है सीएनजी टैंक, बट यहाँ पे दिखता है, बट ये पूरी तरीके से सेफ है, ये हमारी गारंटी है बजाज। सर मतलब इस बाइक को सेफ्टी रेटिंग में कितना रेट किया गया है? सेफ्टी के लिए इसके 11 टेस्ट हुए हैं, आप ऑनलाइन जाके उसके वीडियोस देख सकते हो और उससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये बाइक कितनी सेफ है। इसके ऊपर से एक ट्रक को गुजारा गया है जिसके बाद भी इसके सीएनजी टैंक के लोकेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा था। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर, फिर से थैंक यू सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। अरे कोई बात नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब। अरे थैंक यू सर। तो सो मैं क्या बता रहा था कि मेरे सिटी में ये बजाज का शोरूम है, तो मस्ट विजिट दिस शोरूम गाइस। अगर आपको बजाज की कोई भी बाइक चाहिए तो आप यहाँ आओ, आपको बाइक अवेलेबल मिलेगी, अगर अवेलेबल नहीं है तो बुकिंग कर लो भाई, मगर आओ। तो चलो चलते हैं टेस्ट राइड को गाइस, अभी हम लेने जाने वाले इस बाइक की टेस्ट राइड। तो सूरज सर अपने आज साथ आने वाले हैं, वो आज अपना पिलियन बनेंगे, तो लेट्स गो गाइस। अभी जैसे उत्कर्ष सर ने हमें बताया कि बाइक सीएनजी की होकर भी घबराने का कोई इशू नहीं है, सेफ्टी रेटिंग में इसके ऊपर से एक पूरा ट्रक गया है, तो आप सोच सकते हो बाइक में क्या ही बिल्ड क्वालिटी होगी बाइक की। और वर्ल्ड बजाज ने ही बनाई है सीएनजी बाइक, हाँ सबसे पहली सीएनजी बाइक। ओ माय गॉड, लेट्स गो। अभी चलते हैं, थोड़ा सा हाईवे के साइड चलते हैं, जाके आते हैं, पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि बाइक कैसे परफॉर्म करती है ऑन हाईवे। यानी 11 मंजिल की बिल्डिंग से फेंका है नीचे, फिर भी उसके ऊपर स्क्रैचेस वैचेस कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे रिव्यू है इसके, यूट्यूब गूगल पे, और इनिशियल स्टॉप एंड भी है बहुत अच्छा खासा इसका। तो गाइस अभी उत्कर्ष सर ने जो हमें बताया
कि बाइक के 11 टेस्ट किए गए हैं, क्रैश टेस्ट, आप समझ सकते हो। इस गाड़ी के ऊपर से पूरा ट्रक गुजरा है गाइस, पूरा ट्रक, आप समझ सकते हो गाड़ी की क्या बिल्ड क्वालिटी होगी भाई, गजब भाई, बहुत स्मूथ लगी मुझे अब तक तो। ऑफ रोड ओके, टेस्ट करते हैं ऑफ रोड इस बाइक का, चल दो लेट्स गो। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ थोड़ा सा ऑफ रोड करके भाई। भाई लोकल के लिए गाड़ी बहुत बढ़िया है गाइस, मतलब सस्पेंशन उतने हार्ड नहीं, एकदम स्मूथ सस्पेंशन से बाइक के, पीछे वाले को बैक पेन बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। और मैं तुम्हें उतर के दिखाऊंगा गाड़ी की सीट कितनी चौड़ी है भाई, आप शॉक हो जाओगे। ऑटो रिस्पॉन्स गाड़ी का बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हो बटन भी बहुत अच्छे क्वालिटी के लगाए कंपनी वालों ने। और भाई इनका तो लेट्स गो गाइस, गाड़ी एकदम स्मूथ है, क्यों सूरज? गाड़ी स्मूथ है गाइस, गाड़ी की गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, गाड़ी के क्लच, गाड़ी के ब्रेक्स, तो देखो गाइस, देख रहे हो ब्रेक्स, देख रहे हो आप, एकदम एकदम सॉलिड ब्रेक है गाड़ी के, ब्रेक एकदम सॉलिड है गाइस। आई एम गोना शो यू कि ट्रैफिक में आप इसे हैंडल कैसे कर सकते हो। मैं भी उतना अभी प्रोफेशनल बाइकर नहीं हूँ, बट अच्छा खासा तो बाइक चला लेता हूँ। बाइक का टॉर्क डिसेंट है, बाइक जितनी सीसी है उसका टॉर्क उस हिसाब से डिसेंट है बहुत। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा गाइस कि प्लीज आप हेलमेट पहन के बाइक चलाओ, आप अपने जो भी राइडिंग गियर है पहन के चलाओ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपने अगर देखा नहीं होगा तो जाके मेरे चैनल पे चेक करना, क्योंकि हम राइड पे गए थे तो हमारे एक बाइकर का एक्सीडेंट हो गया था और वो बंदा सिर्फ हेलमेट के वजह से जिंदा है, क्यों सूरज? हेलमेट की वजह से जिंदा है। तो प्लीज वेयर हेलमेट गाइस, हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक बाइकर हो। अगर आप नॉर्मली भी कहीं जा रहे हो तो आप हेलमेट पहन के जाओ, क्योंकि एक्सीडेंट बोल कर नहीं आते, पूछ कर नहीं आते, एक्सीडेंट हो जाते हैं गाइस। सूरज सर, तुझे इस बाइक के, तुम्हें इस बाइक के सस्पेंशन कैसे लगे? सस्पेंशन तो अच्छे, पीछे बैठ के बिल्कुल भी झटका वगैरह कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। मतलब तुम्हें ऐसा फील भी नहीं होगा कि तुम एक गड्ढे में से अंदर जाके बाहर आ जाओगे? भाई इतना स्मूथ सस्पेंशन भाई, भाई बढ़िया, मुझे तो बाइक बहुत अच्छी लगी गाइस। बजाज अपनी पहले से ही क्वालिटी बेस्ट देने में लगा। यस यस यस, बजाज मतलब क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज। ओके, आपको एक तो रेट भी कम होगा और बजाज का जो है ना, मतलब गाइस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बजाज इतनी, मतलब बजाज इतनी रिलायबल और इतनी बजट फ्रेंडली बाइक बनाती है आप सोच भी नहीं सकते। और ऑल ओवर वर्ल्ड ये CNG की पहली बाइक है और वो भी बनाई है बजाज वालों ने। एक मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी बाइक, बहुत बढ़िया लगी मुझे। बाइक पार्क करते हैं। तो बाइक बहुत इंप्रेसिव है गाइस, तो बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते अगले वीडियो में, टिल देन राइड सेफ एंड पीस आउट गाइस।